एक पोस्टर लगा दिल्ली की सड़क पे मोदी हटाओ देश बचाओ जी। और एक दिन में एक सौ अड़तीस आज देखना पड़ रहा है अच्छा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को पिछले साढ़े दस महीने से बिना किसी कसूर के अंदर रखा हुआ है उनका कसूर यह था कि उन्होंने मोहल्कनी का कंसेप्ट दिया उनका कसूर यह था कि उन्होंने कोरोना के, के दौरान सारी दुनिया को होम आइसोलेशन का मॉडल दिया उनका कसूर यह था कि उन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटलों को बेहतरीन बिल्डिंग में कन्वर्ट करके एयर कंडीशन बिल्डिंग बनाई और फ्री इलाज का एक अच्छा सिस्टम दे दिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रखा हुआ है ढाई से ऊपर ऑफिसर्स लगातार उनके घर को उनके दफ्तर को उनके मोबाइल को उनके कंप्यूटर को उनके गाँव को सब कुछ सर्च करते रहे एक रुपया नहीं मिला सीबीआई के तहत गिरफ्तार किया ठीक है। जब लगा के कोर्ट जमानत देने लगी है तो ईडी e में गिरफ्तार कर लिया उनका कसूर क्या था कि उन्होंने दुनिया के बेहतरीन स्कूल दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को कन्वर्ट किया ठीक है उन्होंने अच्छी शिक्षा दी उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया ये जो बदले की भावना की राजनीति है अब जनता चाहती है ऐसा शासन ना रहे और इसलिए जनता ने पोस्टर लगाया मोदी हटाओ देश बचाओ आम आदमी ने पोस्टर नहीं, लगा, नहीं लगा। ने लगाया जनता ने लगाए लेकिन आपने लगाया कि मोदी हटाओ देश बचाओ अब बीजेपी ने लगाया है कि चोर मचाया शोर क्या कहेंगे सारे चोर जिसके ऊपर भी जितने मुकदमे थे सब बीजेपी ने अपने अंदर ले लिए, और शोर भी संसद के अंदर देख लो बीजेपी मचा रही है संसद को भी नहीं चलने दे रही और शोर जिनसा मर्जी टेलीविजन उठा लो बीजेपी का शोर बचता रहता है वो ठीक कह रहे हैं चोर मचाए शोर जी आप कह रहे हैं कि मनीष या सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो है वो बदले की राजनीति हो रही है ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी अपने राइवल के लिए कुछ भी कर सकती है लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट है कानून क्या अपना काम नहीं कर रहा है? क्या लगता है कानून भी पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में रह के काम कर रहा है देखिए ये ईडी का जो कानून बना है ना उसमें जमानत का प्रावधान नहीं है ठीक है और जब ईडी की अदालत जमानत देने लगी तो उन्होंने जज को बदल दिया तीन बार उन्होंने कहा कि आज तक आप सतेंद्र जैन जी के खिलाफ एक सबूत दीजिए सबूत नहीं ले पाए मैं जमानत दे दूंगी जब जज ने कहा कि मैं जमानत दे दूंगी तो इन्होंने तुरंत जज की बदली करा दी तो ये जो केंद्र सरकार की नीति है संवैधानिक संस्थाओं को दबा के रखना संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करना ईडी का गलत इस्तेमाल करना सीबीआई का गलत इस्तेमाल करना और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है पूरे देश की अपोजिशन पार्टी के साथ हो रहा है आज आप मोदी अडानी घोटाले को ले ठीक है इस अडानी घोटाले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच के लिए 200 से ऊपर सांसद लगातार मांग कर रहे हैं ठीक है रातों रात दुनिया का दो नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति उसको बना दिया गया